शहर से 50 किलोमीटर के एक आरामदेह सफर के बाद खुंजराब की तरफ जाने वाली सड़क पे वादी नगर का दिलफरेब और कुदरती वसाइल से मालामाल खत्ता वादी छलत मौजूद है। चढ़ने वाले इस खित्ते के लोग कुदरत के बेशबहा नेमतों से न सिर्फ मालामाल है बल्कि कुदरत के हुस्न और दिलकशी का अक्स उनके चेहरों और आंखों से आया है। जफाकश और सख्त जिंदगी गुजारने के बावजूद भी जिंदगी के एक एक पल को दिल खोल कर जीते हैं और उसका हक अदा करते हैं। वादी नगर के इस आम खित्ते का मखसूस आब हवा वसाइल की फरावानी यहाँ एक नया रंग बिखेरता है। ये खित्ता फितरी हुसन और रूह परवर मनाजिर की दौलत के अलावा कुदरती वसाइल से भी मालामाल है। चश्मे का पानी और बिजली की 24 घंटे की सहूलत इस वादी को इनफरादियत अता करती है। मेहनती और जफाकश लोग अपने हाथ से मेहनत करना सआदत समझते हैं और इलाके की सख्त और पुर आजमाइश जिंदगी में भी कुदरत के नेमतों से भरपूर लुत्फ़अंदोज होते हैं। ये तकरीबन 30 साल हो गए हमें यहाँ जाके आए। बादाम अखरोट वगैरह ले आते हैं, तेल निकाल के हम उजरत लेते हैं और वो ले जाते हैं अपने मटेरियल। तो यहाँ तो चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम एक यहाँ के लोगों का जितना माल है वो तो तमाम नहीं खरीद सकते हैं। तमाम गिलगित और पिंडी और लाहौर जाता है, कराची जाता है। सिर्फ हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ लेते हैं और लेके हम अपना तेल निकाल के लोगों को बेचते हैं। बाकी जो अपने ज़मींदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए जो चाहिए उतना माल रख लेता है। यही हम बाहर कहीं नहीं ले जाते, लोग यहीं आके ले जाते हैं। मंथली मेरे ख्याल में कोई 20-40 किलो तेल बिकता है। दिल्ली से सबसे ज़्यादा खपत यहाँ, क्वालिटी भी है यहाँ पे और मकदार भी ज़्यादा है। हर क्वालिटी की चीज़ मिलती है। कम से कम यहाँ पे 20-40 किस्म की खुबानी मिलती है। अखरोट भी कई कागजी वो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी यहाँ मिलती है। तेल निकालने के लिए हम लोग 1 किलो खुबानी का 30 रुपये, 1 किलो अखरोट के 35 रुपये लेते हैं। Thank you.
छलक में मकानों की मुनफरिद बनावट इस इलाके की मखसूस पहचान है। यहाँ मकानों की बनावट में लकड़ी का बेपनाह इस्तेमाल होता है। मकान के अंदर एक कमरा मखसूस बनावट के तहत तामीर किया जाता है, जहाँ घर का सारा कुनबा मौसम सरमा में अंगीठियों में लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म रखते हैं और मौसम सरमा की लंबी रातें गुजारते हैं। छलत चेरी और खुबानी और देगर फलों के पैदावार के लिहाज से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर है। वादी के अक्सर लोगों की मैशत का दारो मदार इन खुश्क तर में वजात पर है। इस वादी में बाहर से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की रहाइश के लिए PWD का रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहां बासानी रहाइश अख्तियार की जा सकती है, जबकि कैंपिंग करने वाले सयाहों के लिए खुले और सरसब्ज और शादाब बागात मौजूद हैं, जहां सयाह यहां की खुली फ़जा से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।